Dear students, welcome to the lecture series on the periodic properties. And in this part, actually this is the sub part of the previous lecture, that is part 2. And in this lecture, I will discuss about the applications of ionization energy. ओके तो बच्चों आपको मैं इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की लेक्चर सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशंस कहाँ पर है ओके यूजेस क्या है उसके क्यों हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी को एक्चुअली ये पार्ट स्लिप हो गया था प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने पार्ट 2 पढ़ा था तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम इसको डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. पहले जो एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की वो ये है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमें पता होती है तो वी कैन क्लासिफाई और वी कैन डिस्कस अबाउट द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स. हम पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर को बता सकते हैं अगर हम क्या जानते हैं वी नो द आयनाइजेशन एनर्जी. अब आइए आप आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें देखिए आयनाइजेशन एनर्जी अगेन रिकॉल द आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है एक न्यूट्रल गैसीय सिस्टम के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए और ये जो आइसोलेटेड एटम है ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस में जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी आसानी से ये M जो है वो M प्लस में कन्वर्ट होगा. ओके जितनी कम लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है बहुत कम एनर्जी की जरूरत है बहुत आसानी से ये M1 में कन्वर्ट हो M प्लस में ये कन्वर्ट हो जाएगा. और M प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर. अगर कोई मेटल M प्लस में इजीली कन्वर्ट हो जाए तो वो उसका मेटलिक नेचर है वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है क्योंकि अगर उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अधिक होगी तो वो कैसा होगा मेटल होगा नेचर में. तो इसलिए जिन मेटल जिस एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है जनरली दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और वो मेटल्स कहलाते हैं. आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को ये M है इसको बहुत कम एनर्जी की जरूरत है ओके तो ये आसानी से M प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है यानी आसानी से कन्वर्ट होने का मतलब है इट इज अ मेटल. और अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो ये आसानी से M प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा इसको बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत है तभी ये M प्लस में कन्वर्ट होगा मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत कम है तो ये एक मेटल नहीं हो सकता तो ये क्या होगा एक नॉन मेटल होगा. इसीलिए पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स और जो राइट साइड में दे आर नॉन मेटल्स क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बहुत कम है. दूसरी जो एप्लीकेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की वो है रिएक्टिविटी. जो रिलेटिव रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की उसको हम डिस्कस कर सकते हैं इफ वी नो द आयनाइजेशन एनर्जी. अब अगेन आप रिकॉल कीजिए कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये जो Mg है यानी गैसियस आइसोलेटेड मेटल एटम है ये आसानी से गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है आसानी से कन्वर्ट हो रहा है यानी जितनी कम होगी उतनी आसानी से कन्वर्ट होगा. और ये M प्लस बन गया देखिए तो जितनी आसानी से M प्लस में बदलेगा उतना हाईली ये रिएक्टिव होगा यानी जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना रिएक्टिव एलिमेंट होगा. इसीलिए एल्कली मेटल्स दे आर वेरी रिएक्टिव. आप जानते हैं अगर मैं सोडियम को पानी में मिला दूं तो क्या होगा तो क्या होगा तो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है. क्यों क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है ये आसानी से M प्लस में कन्वर्ट हो सकता है आसानी से तो जितनी आसानी से कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव ये होगा और जितनी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना लो रिएक्टिव होगा. फॉर एग्जाम्पल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स से हैं या इनर्ट गैसेस हैं जिनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, दे आर लेस रिएक्टिव। ओके, क्यों? क्योंकि ये M से M प्लस में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक इन केस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस राइट साइड में है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक होती है बट स्टिल दे आर वेरी रिएक्टिव। तो उनकी रिएक्टिविटी का कारण क्या है? क्योंकि दे रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल देयर ऑक्टेट, तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इसलिए वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट हैलोजन के केस में जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है, एक्सेप्शन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है दे आर मोर रिएक्टिव, जिनकी हाई है दे आर लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये बताती है एक एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को। ओके, अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी देन इट कैन इजीली कन्वर्ट इनटू इट्स कैटायन, आसानी से कैटायन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? कौन सी होती है? यू नो बेटर, इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, यानी ऑक्सीकरण की रिएक्शन। और अगर कोई ऑक्सीकरण की रिएक्शन है तो उस पर जो स्पीसीज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है दैट विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन किसकी है? ऑक्सीडेशन की। इसलिए जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है वो आसानी से M प्लस में कन्वर्ट होते हैं। आसानी से M प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब है ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। यानी जो एल्कली मेटल्स हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो हाई आयनाइजेशन वाले एलिमेंट्स हैं जो कि राइट साइड में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि उनका ये कन्वर्जन आसान नहीं है इसलिए दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब वो आसानी से रिड्यूस होते होंगे, इसलिए वो क्या है? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो हमें पता लग जाता है आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से। फोर्थ जो एप्लीकेशन है आयनाइजेशन एनर्जी की वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी पता होगी देन वी कैन टेल अबाउट द बेसिक करेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। हम इनके बेसिक करेक्टर के बारे में बता सकते हैं। ओके, लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जो M है वो आसानी से M प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। जो M प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब उसका कैसा करेक्टर है? मेटलिक करेक्टर। और जिनका करेक्टर मेटलिक होता है दे आर बेसिक इन नेचर। तो वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। इसलिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड पर जो एल्कली मेटल्स हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। और जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो M प्लस में आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा, तो दे विल बी लेस बेसिक इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स हैविंग लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि ये क्या होते हैं? जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है दे आर नॉन मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स आर लेस बेसिक इन करेक्टर। So in this way, ionization energy is very helpful in predicting
the application various characteristics of the elements of the periodic table. तो हम ionization energy के आधार पर बहुत सारे characteristic बता सकते हैं elements की, जैसे हम बता सकते हैं metallic and non-metallic character, जिनकी ionization energy कम होगी वो metallic character के होंगे, जिनकी अधिक होगी वो non-metals होंगे. हम बता सकते हैं उनकी reactivity के बारे में, जिनकी ionization energy कम होगी वो ज्यादा reactive होंगे. Exception is halogen. Then आप बता सकते हैं रिड्यूसिंग पावर के बारे में, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिनकी अधिक होगी वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे. और हम बता सकते हैं अबाउट बेसिक करेक्टर, और बेसिक करेक्टर मतलब जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उनका बेसिक करेक्टर अधिक होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. थैंक यू वेरी मच.